इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सवाल जो है आम आदमी के हैं, और इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, शाना का जो मतलब है जो शान से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जैसी भी ज़िंदगी है, और शान पति नहीं सिर्फ जो खुशी से जीते हैं, और आम आदमी के सवाल हैं आम आदमियों के लिए। और द होल आइडिया इज दिस कि उसको इतने उच्च दर पे ना ले जाओ कि लोगों को कुछ पढ़ना पड़े। कॉमन सेंस, कॉमन थिंग्स, कॉमन वैल्यूज़, कॉमन। मैं भी जब एक्चुअली ये शो कर रहा हूँ, मैंने एक दो पहले भी किए हैं, अमूमन मुझे भी 90% जो है आंसर नहीं मालूम होता, और फिर मैं जो है जो हेल्प होती है या टीम बाबू की वो बताती है, या पहले मैं ट्रेन करता हूँ कि अजीब ना लगे। बट ये वाला क्वेश्चन आंसर सेशन ऐसा है जिसके अंदर कुछ पढ़कर आने की ज़रूरत नहीं है, घर की बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती हैं। और जैसे हमने बताया तीन लेवल, धोनी राउंड है, पहला राउंड कंपेटिटिव है, दो टीमें खेलती हैं, अमूमन एक ही आदमी आकर ऐसे गेम शो में काम लेता है, भाग लेता है, लेकिन इसमें दो टीमें खेलती हैं। और पहले दो राउंड के बाद या ढाई राउंड के बाद, बोनी राउंड, शाना कौन और बवाल सवाल के बाद एक टीम रह जाती है जो कोटी की चोटी करोड़ रुपया जीतने के लिए जाती है, जहाँ पर आइडिया है कि सेलिब्रिटी, उनको हम कहते हैं वो खास लोग जो एक्चुअली आम ही थे लेकिन अपने काम की वजह से खास होंगे, वो सवाल पूछते हैं। तो आप खुद ही अपना सवाल ही चुनते हैं और उनसे सवाल लेते हैं। अब आपकी लत है कि जिस सवाल को आपने चूज़ किया, सोच कर किया, ये सही पूछेगा मुझसे सवाल, या सिंपल पूछेगा, या मेरे डॉक्टर के पेशे से पूछेगा क्योंकि डॉक्टर लग रहा है फोटो में या वीडियो में, अब वो अगर वही सवाल पूछे जो आपको मालूम है। या सो आई हैव डन KBC, देन आई हैव डन पांचवी पास, इवन वाइप आउट, बट पर्सनली आई डोंट थिंक आई हैव बीन एबल टू क्रिएट ऐसा कोई मैं खुद टेलीविजन से हूँ, और मैंने आई थिंक जब टेलीविजन शुरुआत की थी तो मैंने बहुत अच्छा काम किया था, फिर मैं फिल्मों में आ गया, फिल्मों में भी ठीक ठाक काम किया है, तो आई थिंक मैं उन टेलीविज़न आर्टिस्ट में से हूँ जो टीवी पे जाकर वो काम करना चाहते हैं जो वो पहले कर चुके हैं, उतना अच्छा, तो उतना अच्छा मैंने आज तक शायद किया नहीं है अभी तक, और कोशिश यही है। अब नर्वसनेस नहीं है, इतनी बारी फेल होने के बाद नर्वसनेस नहीं रहती, तो अब मैं कोशिश यही करूँगा कि ये लोगों को भाई अच्छा हो, और आई थिंक ये मेरी पर्सनैलिटी से ज़्यादा जुड़ा हुआ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा फ्री फ्लोइंग है, मैं लोगों से बात करता हूँ, हंसाता हूँ, थोड़ा एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, और एक मेरे में वॉर्म्थ है अपनी जो लोगों को मिलकर मुझे आती है दिल में, क्योंकि मुझे इतना मौका नहीं मिलता।